नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। इंग्लैंड टीम के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को लेकर एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। जी हां, इंग्लैंड और भारत के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज से वो पहले ही बाहर थे और सीरीज के बीच में ही इंग्लैंड टीम को एक बुरी खबर मिली है। जी हाँ, इंग्लैंड टीम के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर 1-2 महीने के लिए नहीं बल्कि पूरे साल भर के लिए क्रिकेट के मैदान से बाहर हो गए हैं। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने गुरुवार को तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की चोट पर अपडेट देते हुए इस बात की पुष्टि कर दी और साफ कर दिया कि पिछले हफ्ते उनकी कोहनी को लेकर किए गए स्कैन में रिपोर्ट आने के बाद ये फैसला लिया गया है कि वो 1 साल तक चोट की वजह से क्रिकेट से दूर रहेंगे। ईसीबी ने बताया कि आर्चर की स्कैन रिपोर्ट के अनुसार उनके दाएं हाथ की कोहनी में स्ट्रेस फ्रैक्चर उभर आया है जिसके चलते वो पूरे साल के लिए क्रिकेट से बाहर हो गए हैं। जोफ्रा आर्चर इस तरीके से चोटिल होकर बाहर होना इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए दोहरा झटका है। जोफ्रा आर्चर इससे न सिर्फ भारत के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज में बल्कि आईपीएल 2021 के बचे हुए मैचों, यूएई में खेले जाने वाले टी20 विश्व कप और साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जाने वाली 5 मैचों की एशेज टेस्ट सीरीज से भी बाहर हो गए हैं। आपको बता दें, इस साल के शुरुआत में जोफ्रा आर्चर भारत दौरे के दौरान चोटिल हुए थे। इसके बाद वो आईपीएल से भी बाहर रहे थे। हालांकि फिट होने के बाद उन्होंने काउंटी के कुछ मैच खेले थे लेकिन काउंटी मैच की एक पारी में गेंदबाजी करने के बाद ही उनकी कोहनी में तेज दर्द उभर आया था जिसके बाद उन्हें सर्जरी तक करानी पड़ी थी। लेकिन अब ये खबर इंग्लैंड क्रिकेट फैंस के लिए दोहरे झटके से कम नहीं है। खासतौर पर टी20 विश्व कप में जोफ्रा आर्चर की कमी इंग्लैंड टीम को खासी खलने वाली है। इसके अलावा ऐसे सीरीज में भी इंग्लैंड टीम को जोफ्रा आर्चर की कमी जरूर खलेगी। अब देखना है इंजरी के बाद वापसी करने के बाद जोफ्रा आर्चर में क्या उसी प्रकार की तेजी रहेगी जिसके लिए वो जाने जाते थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।